हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो फिल ट्यूटोरियल और मैं हूं सुनील। आज का जो ये ट्यूटोरियल है, ये ऑडियो स्पेक्ट्रम का पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको आई कार्ड में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम कुछ स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक दिखा रखा है और एक यहाँ पर है। तो हम पहले वाले को प्ले करके चेक कर लेते हैं। देखिए, ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और आप इसे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा दूसरा डिजाइन, इसे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस प्रकार से ऑडियो स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकते हो। ये बेसिक है, हमने इसमें किसी भी प्रकार का प्लगइन यूज नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ऑडियो स्पेक्ट्रम को क्रिएट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करना है, एक सेपरेट टाइमलाइन। तो उसके लिए आप कंपोजिशन पर क्लिक कीजिए और न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने कंपोजिशन का नाम दे सकते हो। मैं इसे एएस दे देता हूँ, ऑडियो स्पेक्ट्रम। उसके बाद इसके ड्यूरेशन को आप अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग डालना होगा, बट मैं इसे 20 सेकेंड कर देता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए, ये हमारा कंपोजिशन, ये एकदम एम्प्टी है, इस दोनों में हमने क्रिएट कर रखा है। तो हम इस दोनों को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड का जरूरत पड़ेगा, जो कि ये है। आप इसे इस वीडियो के लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ब्लर। उसके बाद बॉक्स ब्लर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इसे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करोगे तो इस पे अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद इसके ब्लर रेडियस को आपको इसे 15 कर देना है। आपको प्रोजेक्ट में आना है और यहाँ से आपको अपने इमेज को इसमें ड्रॉप कर देना है। उसके लिए इमेज को यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए और इसके साइज को आप रिसाइज कर सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और आप अपने कीबोर्ड के लेफ्ट राइट की को यूज करके इसे पोजीशन में सेट कर सकते हो। तो मैं इसे यहां पर सेट कर देता हूं। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट क्रिएट करना है, आपके सॉन्ग के नेम से या आप अपने नेम से कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहां पर डाल देता हूं फुल ट्यूटोरियल, फुल ट्यूटोरियल। उसके बाद मैं इसके स्ट्रोक कलर को व्हाइट कर देता हूं, जिससे मुझे थोड़ा सा बोल्ड दिखे। उसके बाद मैं इसे सेंटर अलाइन कर लेता हूं। कुछ इस प्रकार। उसके बाद आपको एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करना है, एक सिंपल कलर में। जैसे कि हमने इसमें व्हाइट को सिलेक्ट किया है, तो हम एक व्हाइट स्पेक्ट्रम क्रिएट करेंगे। उसके लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कीजिए, इससे आप एक सॉलिड क्रिएट कर सकते हो। हमने अभी रॉयल ब्लू कलर सेट कर रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हो, इससे आपके स्पेक्ट्रम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। जिस भी सॉन्ग को आपको यूज करना है उसे सिलेक्ट कीजिए और टाइमलाइन में डाल दीजिए। उसके बाद आपको सॉलिड को सिलेक्ट करना है और यहां से जाना है इफेक्ट्स में। उसके बाद जनरेट में जाइए और यहां से ऑडियो स्पेक्ट्रम पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां से आपको सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट फ्रीक्वेंसी को 400 और एंड फ्रीक्वेंसी को आपको कर देना है 800 या। उसके बाद इसके फ्रीक्वेंसी बैंड को आपको 32 कर देना है और इसके मैक्स हाइट को आपको 5000 कर देना है। ये आप अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो।
मैंने पहले पार्ट में आपको बताया कि आप किस से किस चीज को और किस लिए एडजस्ट करोगे। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। उसका इसके थिकनेस को आप 15 कर दीजिए और इसके सॉफ्टनेस को 0 कर दीजिए और इसके कलर को सिंपल व्हाइट और इसके आउटलाइन को भी यानी स्ट्रोक को भी व्हाइट कर दीजिए। थिकनेस को आप 20 कर दीजिए, थोड़ा सा पतला दिख रहा है अभी भी, 25। उसके बाद नीचे आइए और इसके साइड ऑप्शन में जाइए और यहां से साइड ए को सेलेक्ट कीजिए। उसके थोड़ा ऊपर आइए और यहां पर स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए और कुछ इस प्रकार अरेंज कर लीजिए। उसके बाद एंड पॉइंट को पर क्लिक कीजिए और ऐसे भी शिफ्ट प्रेस करके जहां पर आपका टेक्स्ट एंड हो रहा है वहां पर जाके इसे छोड़ दीजिए। तो थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एंड हो रहा है। अब देखिए हमने इसे एडजस्ट कर दिया है। अब हम इसे प्ले करके चेक कर लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप भी इसे यूज कर सकते हो। अब हम दूसरे वाले को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसके आउटलाइन को आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद सेम कलर आपको इस स्पेक्टर में भी ऐड करना है। तो उसके लिए यहां से स्पीक व्हिप को सिलेक्ट कीजिए और सेम ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लीजिए इनर एंड आउटर दोनों के लिए। उसके बाद आपको इसके स्टार्ट फ्रीक्वेंसी को या स्टार्ट पॉइंट को इसके अंदर डालना है। उसके बाद इसके एंड पॉइंट को भी इसके अंदर डाल दीजिए और इसकी फ्रीक्वेंसी बैंड को 20 कर दीजिए जिससे इसके अंदर गैपिंग मिल जाए। देखिए ये कुछ इस प्रकार से प्ले हो रहा है। अगर सिमिलर आपके पास अगर ये फुटेज नहीं है, वैसे तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस प्रोजेक्ट फाइल का भी, तो आप दोनों को वहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आपके पास एक सिंपल इमेज है या इस उस समय देखिए यहां पर मेरे पास एक सिंपल इमेज है PNG फॉर्मेट में और मैं इस वीडियो को रिमूव कर देता हूँ, यहां से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद उस PNG को यहां पर ऐड कर देता हूँ और इसके स्केल को थोड़ा सा कम कर देते हैं 16 के करीब। हाँ ये फिट हो चुका है। उसके बाद आपको सेम इफेक्ट इस पे भी ऐड करना है। इसके जगह आप अपने इमेज को भी यूज कर सकते हो। इस बॉक्स ब्लर को इस PNG पर ऐड कीजिए और इसके ब्लर रेडियस को 20 कर दीजिए। चाहे तो आप इसको 25 भी कर सकते हो या अपने पिक्चर्स के हिसाब से इसे ब्लर कर सकते हो। अब देखिए यहां पर मेरे पास कोई भी अच्छा सा इमेज अवेलेबल नहीं था। मैंने इसलिए अपने पुराने लोगो एसके वाले लोगो को यूज किया है। आप यहां पर अपना इमेज ऐड कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आगे और भी आपके लिए वीडियोज लाते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @MrShivaKumar। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।